हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश फ्रेंड्स। अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, कहाँ जा रही हो तुम? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? कहाँ जा रही हो तुम? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। आई नो यू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी। आई नो यू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी। मुझे पता है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। गाइज स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, तो वही बोल रही है आई नो यू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी। मुझे पता है तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। मैं किसी का कुत्ता नहीं हूँ। आई एम नॉट एनी बडीज फ्लंकी। आई एम नॉट एनी बडीज फ्लंकी। मैं किसी का कुत्ता नहीं हूँ। तुम्हें बहुत चढ़ी हुई है। यू आर हाई। लड़की बोलती है तुम्हें बहुत चढ़ी हुई है। यू आर हाई। यू आर हाई। तुम्हें बहुत चढ़ी हुई है। आगे बोलते हैं फ्रेंड्स, तेरे और तेरे बिजनेस को मैं अकेले ही देख लूँगा। आई विल डील विथ यू एंड योर बिजनेस ऑन माई ओन। आई विल डील विथ यू एंड योर बिजनेस ऑन माई ओन। तेरे और तेरे बिजनेस को मैं अकेले ही देख लूँगा। आगे बोलती है इसको क्या हो गया? वॉट हैपेंड टू हिम? वॉट हैपेंड टू हिम? इसको क्या हो गया? ये बताता है वह जवाहर को मारने गया था और खुद मरते मरते बच गया। ही हैड गॉन टू किल जवाहर बट ऑलमोस्ट गॉट हिमसेल्फ किल्ड। ही हैड गॉन टू किल जवाहर बट ऑलमोस्ट गॉट हिमसेल्फ किल। वह जवाहर को मारने गया था और खुद मरते मरते बच गया। तो बोल रहा है फ्रेंड्स वह जवाहर को मारने गया था। ही हैड गॉन टू किल जवाहर और खुद मरते मरते बच गया बट ऑलमोस्ट गॉट हिमसेल्फ किल्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये बोलती है मारने को किसने कहा था? हु आस्क्ड यू टू किल हिम? हु आस्क्ड यू टू किल हिम? मारने को किसने कहा था? मैंने तो कब्जे में रखने के लिए कहा था ना। डिडंट आई टेल यू टू जस्ट कीप हिम कन्फाइंड? डिडंट आई टेल यू टू जस्ट कीप हिम कन्फाइंड? मैंने तो कब्जे में रखने के लिए कहा था ना। फ्रेंड्स ये बोलती है मारने को किसने कहा था? हु आस्क्ड यू टू किल हिम? मैंने तो कब्जे में रखने के लिए कहा था ना। डिडंट आई टेल यू टू जस्ट कीप हिम कन्फाइंड? आगे बोलती है फ्रेंड्स, तुम कुछ छुपा रही हो आर्या। यू आर हाइडिंग समथिंग आर्या। यू आर हाइडिंग समथिंग आर्या। तुम कुछ छिपा रही हो आर्या। अब तुम बोलती हो कि आरू का अपहरण कर लिया गया है। नाउ यू से दैट आरू हैज बीन किडनैप्ड। नाउ यू से दैट आरू हैज बीन किडनैप्ड। अब तुम बोलती हो कि आरू का अपहरण कर लिया गया है। वह दो दिन से घर पर नहीं है। ही हैज नॉट बीन होम सिंस टू डेज नाउ। ही हैज नॉट बीन होम सिंस टू डेज नाउ। वह दो दिन से घर पर नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे सिंस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे नाउ लगाया हुआ है, तो बोले आज से दो दिन पहले से वो घर पर नहीं है, तो यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया गया है इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। ही हैज नॉट बीन होम सिंस टू डेज नाउ। वह दो दिन से घर पर नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये बोल रही है कि तुम्हारा कमरा पूरी तरह से बदल गया है। योर रूम हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। योर रूम हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। तुम्हारा कमरा पूरी तरह से बदल गया है। तब ये बोलती है कि तुम भी तो काफ़ी बदल गई हो। सो हैव यू। सो हैव यू। तुम भी तो काफ़ी बदल गई हो। आगे फ्रेंड्स ये बोलती है यह बॉब का सपना रहा है। इट्स बीन बॉब्स ड्रीम। इट्स बीन बॉब्स ड्रीम। यह बॉब का सपना रहा है। इट हैज़ बीन बॉब्स ड्रीम। रॉक स्टूडियो में परफॉर्म करने का। टू परफॉर्म एट द रॉक स्टूडियो। टू परफॉर्म एट द रॉक स्टूडियो। रॉक स्टूडियो में परफॉर्म करने का। तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि यह बॉब का सपना रहा है। इट्स बीन बॉब्स ड्रीम रॉक स्टूडियो में परफॉर्म करने का। टू परफॉर्म एट रॉक स्टूडियो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स ये बोलती है क्या आप चाचा को समझाने के लिए मौसी से बात कर सकते हैं? कुड यू टॉक टू आंटी टू कन्विंस अंकल? कुड यू टॉक टू आंटी टू कन्विंस अंकल? क्या आप चाचा को समझाने के लिए मौसी से बात कर सकती हैं? तब ये बोलती है फ्रेंड्स तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू नो आई कांट डू डैट। यू नो आई कांट डू डैट। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू नो आई कांट डू डैट। ये बोलती है फ्रेंड्स क्या आप इसे अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते? कांट यू डू इट फॉर योर फैमिली? कांट यू डू इट फॉर योर फैमिली? क्या आप इसे अपने परिवार के लिए नहीं कर सकती? तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये कि आप इतना अपने परिवार के लिए नहीं कर सकती। कांट यू डू इट फॉर योर फैमिली? आगे फ्रेंड्स ये बोलती है ओके मैं माया आंटी से बात करके बताती हूँ। ओके आई टॉक टू माया एंड लेट यू नो। ओके आई टॉक टू माया एंड लेट यू नो। ओके मैं माया आंटी से बात करके बताती हूँ। आगे फ्रेंड्स हमारे पास उसे लुभाने के लिए कुछ भी नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूर हिम। वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूर हिम। हमारे पास उसे लुभाने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे बोलते हैं वो हमारा नया गुरु नहीं बन सकता। ही कांट बी आवर न्यू गाय। ही कांट बी आवर न्यू गाय। वो हमारा गुरु नहीं बन सकता। वो हमारा नया गुरु नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स ये लोग एक बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि वो हमारा नया आदमी नहीं बन सकता है। ही कांट बी आवर न्यू गाय। आगे फ्रेंड्स ये बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? ये बोलती है मुझ पर छोड़ दो मैं इसे संभाल लूँगी। लीव इट टू मी आई विल टेक केयर ऑफ इट। लीव इट टू मी आई विल टेक केयर ऑफ इट। मुझ पर छोड़ दो मैं इसे संभाल लूँगी। ये बोलता है तुम संभालोगी इसे? यू आर गोइंग टू हैंडल दिस।
यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, तुम संभालोगी इसे? तो पहले क्यों नहीं संभाला तुमने हमारा धंधा? देन व्हाई डिडंट यू टेक ओवर आवर बिजनेस अर्लियर? तो पहले क्यों नहीं संभाला तुमने हमारा धंधा? देन व्हाई डिडंट यू टेक ओवर आवर बिजनेस अर्लियर? तब ये बोलती है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे. बिकॉज अर्लियर मैन यूज टू हैंडल द बिजनेस. क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब वे नहीं बचे. नाउ दे आरंट लेफ्ट. तो फ्रेंड्स, इसका हस्बैंड जो मर गया तो वही बोल रही कि अब वे नहीं बचे. नाउ दे आरंट लेफ्ट. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये बोलती है जब मैं कॉलेज में थी. When I was in college, जब मैं कॉलेज में थी मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही कार थी. I had a car exactly the same. मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही कार थी. मैं ये रिबन उतार दूँ? Can I take off the ribbons? मैं ये रिबन उतार दूँ? तब ये बोलता है फ्रेंड्स, क्या आप नहीं जानते? Don't you know? क्या आप नहीं जानते? नई कार देखते ही लोगों को जलन होने लगती है. People get jealous when they see a new car. नई कार देखते ही लोगों को जलन होने लगती है. आगे बोलती है फ्रेंड्स, I don't want anybody to jinx you. मैं नहीं चाहती कोई आपको नज़र लगाए. मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नज़र लगाए. तब ये बोलता है, यह तो मैं सोचा ही नहीं था. Thank you. यह तो मैं सोचा ही नहीं था. थैंक यू. कोई भी तुम्हारी कविता को उस तरह से नहीं कर सकता जैसे तुम करती हो. No one can do your poetry the way that you do. कोई भी तुम्हारी कविता को उस तरह से नहीं कर सकता जैसे तुम करती हो. आगे बोलता है फ्रेंड्स, इस तरह का कनेक्शन यूज करना या वॉट्सो में बहुत बुरा कर्म है. Using connections like that, it's really bad karma. इस तरह का कनेक्शन यूज करना या वॉट्सो में बहुत बुरा कर्म है. तब ये आगे बोलती है फ्रेंड्स, तुम और मैं हम एक बेहतरीन टीम बनाएंगे. You and I, we will make a great team. तुम और मैं एक बेहतरीन टीम बनाएंगे. You and I, we will make a great team. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये बोलता है, मेरा यह मतलब नहीं था. That's not what I mean. मेरा यह मतलब नहीं था. मुझे लगता है कि तुम आर्या से बात करो. I really think that you should talk to Arya. मुझे लगता है कि तुम आर्या से बात करो. ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगी. Fine, I'll talk to her. ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगी. तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ. मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.